हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज, यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर एंड सेथ रॉलिंस की मेगा अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एंड एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग रोमन रेंज, यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर एंड सेथ रॉलिंस, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के रॉ में काफी धमाकेदार चीजें हुई है, जैसे गोल्डबर्ग का रिटर्न, ब्रॉक लेसनर की बीटिंग टू सेथ रॉलिंस एंड इवन रोमन रेंज का कार एक्सीडेंट। तो फिर कल के स्मैकडाउन लाइव में जो होने वाला है गो होम शो फॉर समर स्लैम, उसमें भी WWE चाहेंगे कि कोई धमाकेदार चीज हो। इसलिए कल के स्मैकडाउन लाइव के लिए दो चीजें एडवर्टाइज की है। पहली चीज है कि केविन ओवंस होस्ट करेंगे उनका केविन ओवंस शो, जहां पर उनके स्पेशल गेस्ट होंगे शेन मैकमैन। और जैसे कि आपको पता है कि शेन मैकमैन होने वाले हैं केविन ओवंस के ओपोनेंट एट समर स्लैम, तो फिर कल के केविन ओवंस शो में हमें एक ब्रॉल एक्सपेक्ट करनी चाहिए बिटवीन दीज टू। और जो दूसरी चीज एडवर्टाइज हुई है वो है WWE चैंपियन कोफी किंगस्टन रिस्पॉन्ड करेंगे रैंडी ऑर्टन के कॉमेंट्स पर, एंड प्रोबेबली हमें रैंडी ऑर्टन एंड कोफी किंगस्टन की ब्रॉल भी देखने मिल सकती है। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा ताकि कैसा होता है कल का स्मैकडाउन लाइव एज कम्पेयर टू रॉ। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है केन से। जैसे कि आपको पता है कि केन मेयर है ऑफ नॉक्स काउंटी टेनेसी, और वो काफी बिजी रहते हैं उनके काम में। केन को हमने लास्ट देखा था सऊदी अरेबिया में, जब उन्होंने टीम अप किया था अंडरटेकर के साथ और उनकी टीम अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गई थी। और अब दोस्तों WWE में केन वापिस आ सकते हैं। WWE केन को एडवर्टाइज कर रहे हैं लाइव इवेंट्स के लिए, जो होने वाला है पॉसियर सिटी LA में, और दूसरा है लेफाइटे LA में, और वो होने वाला है August 23 and August 24 को। और दोस्तों, उनके ओपोनेंट होने वाले हैं प्रॉन स्ट्रोमैन। लाइव इवेंट्स के लिए स्पेशल अट्रैक्शन होना चाहिए, और इसीलिए मे बी WWE ने बुक किया है केन को। तो फिर हमें देखना होगा कि कैसा होगा केन का रिटर्न और कैसी होगी केन और प्रॉन स्ट्रोमैन की मैच। तो चलिए बात करते हैं रोमन रेंज, यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर एंड सेथ रॉलिंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सेथ रॉलिंस के लगातार दो हफ्ते जबरदस्त बीटिंग हुई है बाय ब्रॉक लेसनर। आज के रॉ में भी वो 100% नहीं थे और आज फिर उन्हें बीटिंग पड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि समर स्लैम में वो कम्प्लीटली 100% होने वाले हैं। और बात करें रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज का एक अनफॉर्चुनेट कार एक्सीडेंट हो गया है, और ये उसी मिस्ट्री अटैकर ने किया होगा, और वो मिस्ट्री अटैकर प्रोबेबली रिवील होगा कल के स्मैकडाउन लाइव में। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिल सकता है। सेथ रॉलिंस भले ही कह रहे हैं कि वो मैच लड़ेंगे ब्रॉक लेसनर से एट समर स्लैम, पर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सेथ रॉलिंस कम्प्लीटली फिट नहीं है। और फैंस की बात करें तो फैंस सेथ रॉलिंस को हेट करने लगे हैं। तो फिर दोस्तों, हो सकता है एट समर स्लैम रोमन रेंज अपने मिस्ट्री अटैकर के साथ एक मैच लड़े और वो मैच जीत जाए, और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप की मैच हो तभी सेथ रॉलिंस को डॉक्टर क्लियर ना करे मैच लड़ने के लिए, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिट नहीं होंगे। और फिर इसीलिए सेथ रॉलिंस रोमन रेंज से कहेंगे कि तुम लड़ो भाई मेरे जगह पर, और वैसे भी तुम्हें रिमैच मिला ही नहीं है फॉर योर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो तुम्हें अनफॉर्चुनेटली रेलिंक्विश करनी पड़ी ड्यू टू ल्यूकीमिया। और दोस्तों, ऐसे फिर हमें प्रोबेबली रोमन वर्सेस ब्रॉक की फिर से एक मैच देखने मिल सकती है, जो होगी फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर रोमन रेंज समर स्लैम में दो बार कम्पीट करेंगे, एक तो अगेंस्ट मिस्ट्री अटैकर और दूसरा अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि WWE कैसे प्लान करते हैं ये सेगमेंट। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है समर स्लैम में तो एक काफी धमाकेदार बुकिंग होगी WWE की तरफ से। तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर क्या होता है एट समर स्लैम। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए क्या आप चाहते हैं कि रोमन रेंज रिप्लेस करे सेथ रॉलिंस को अगेंस्ट अ मैच विद ब्रॉक लेसनर एट समर स्लैम। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.